हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी एजी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स 035G वर्सेस इन्फिनिक्स GD10 प्रो वर्सेस पोको F5 के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। आज की इस वीडियो में बताएंगे कौन सा बेस्ट है गेमिंग के लिए। तीनों ही फोन्स का प्राइस अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाता है सेम ही सेल के दौरान, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, पोको F5 या GT या 030। सो गई देखिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फिनिक्स GD10 प्रो में ही प्ले करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे सिंपली फ्री फायर में एंटर हो चुके हैं। सेटिंग आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं सारे ही सेटिंग्स को फुल्ली मैक्स कर दिए हैं। बाय द वे यहाँ पे टाइम आपको दिखा दूँ, सो टाइम देख सकते हैं 12:01 हो रहा है। और गाइस बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 22 पे है, तो देखेंगे आफ्टर प्ले। वैसे कि इस फोन का हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल में कंपैरिजन कर दिया है, फुल्ली बैटरी एंड टेस्ट भी कर दिया है, वो सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन तीनों के बीच में जल्दी BGMI का भी टेस्ट आएगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। बाकी दोस्त, इस फोन की स्पेक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड साथ ही 45W का फास्ट चार्जर भी। तो दोस्त, यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है गाइस यहाँ पे डायमेंसिटी का 8050, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो स्पेक्स वाइज ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही लगा, इवन इसका कैमरा भी मुझे सही लगा था। तो ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही सही है स्पेक्स के मामले में। बट गाइस एक्चुअल में गेमिंग में ये कैसा है, तो गाइस यहाँ पे गेमिंग में आपको बता दूँ कि ये गेम प्ले आपका स्मूथ नहीं परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे शुरू के एक दो गेम, मतलब TDM हो गया, BGMI का या फ्री फायर का आप मान सकते हैं, ये क्लास स्क्वाड, तो एक दो गेम प्ले आपका स्मूथ चलेगा 60 FPS पे प्ले करेंगे तो। उसके बाद से कि इसमें आपको जिटर देखने को मिलता है, लाइक FPS ड्रॉप करने लगता है। फ़ोन में हीटिंग इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा हीट करता है कंपेयर टू अदर फोन्स, 2-3 डिग्री ज़्यादा आपको ये फील होगा। और उसके वजह से आई थिंक कि इसमें FPS ड्रॉप देखने को मिल जाता है। और गेम प्ले बहुत ही वाहियात होता है भाई, मतलब क्या ही बता जाए, ये बिल्कुल ही प्राइस को अपने जस्टिफाई नहीं करता। ऐसा लगता है कि 10-12 हज़ार के फ़ोन में भी प्ले कर रहे हैं, बट 10-12 हज़ार के भी फ़ोन आजकल अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लाइक लावा ब्लेस्ट 2 5G हमने टेस्ट किया, बहुत ही मक्खन चलता है भाई, उसमें तो बेस्ट चलता है भाई, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर आखिर में बताते हैं कि कितना ये बैटरी ड्रेन किया। जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिएगा इस गेम को एंड तक। सो गाइस फाइनली यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट। वैसे गाइस टाइम देख सकते हैं 12:14 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 13 मिनट में ये 5% डिक्रीज किया है, तो बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन किया है। बाकी डुअल स्पीकर भी देखने को इसमें मिल जाता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बाकी सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होता है इन्फिनिक्स का एज यूजुअल। बाकी अब हम प्ले करेंगे पोको F5 में। ओके एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग में ले चलूँ, सो सारे ही सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स कर दिया, 60 FPS इनेबल कर दिए। बाकी गाइस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 11:21
परसेंट हो रहा है एंड गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 49 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। अब दोस्त इस फोन के स्पेक्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज का अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है चार्जिंग की। बाकी यहाँ पे भी आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, नो डाउट भाई डुअल स्पीकर इसका मुझे काफ़ी पसंद आया, इन्फिनिक्स जी डी 10 प्रो से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो विदाउट एनी डाउट गाइस यहाँ पे स्पीकर से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं बहुत ही सही देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे कोई भी फ्लिकरिंग का भी इशू देखने को नहीं मिलता है, तो पोको F5 में डिस्प्ले आपको ओवरऑल बहुत ही सही देखने को मिल जाता है। अब इस परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूज़ किया गया है Snapdragon 7 Plus Gen 2, जो कि इस काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है एंड यहाँ पे बिल्कुल ही आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है फ्री फायर में। वैसे VGA का टेस्ट आएगा तो वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे। तो इस गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही सही हो जाता है, आप कितना भी लंबे समय तक प्ले कर लीजिए। इसको हमने फुल्ली बैटरी रन टेस्ट भी किया है, तो वहाँ पे हमने फुल्ली टाइम मतलब फ्री फायर प्ले किया था तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिला था, तो ओवरऑल बहुत ही सही गेमिंग एक्सपीरियंस ये भी प्रोवाइड करता है एंड डुअल स्पीकर का भी एक्सपीरियंस बहुत ही सही है। तो ओवरऑल ये फ़ोन मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है अभी तक, बाकी 030 में भी टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे। सो गाइस देखिए गेम को थोड़ा सा आगे और फिर आपको बताते हैं कि इतना ये बैटरी ड्रेन किया। सो गाइस फाइनली यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट, काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस रहता है एंड सॉफ्टवेयर भी इसका मस्त है इन्फिनिक्स के कंपैरिजन में और भी अदर ब्रांड से भी। बाकी टाइम देख सकते हैं 13 मिनट में ये 3% डिक्रीज किया, तो बैटरी बैकअप ये बहुत ही सही प्रोवाइड किया। बाकी बैटरी एंड टेस्ट वाला वीडियो देखिएगा तो आपको और डिटेल में मालूम चल जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करते हैं इन्फिनिक्स 030 5G में। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग में ले चलूँ तो देख सकते हैं सारे ही सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स कर दिए, यहाँ से गेम को करते हैं स्टार्ट। बाकी इस टाइम देख सकते हैं आप 6:52 हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 65 पे है। ओके दोस्त सो गाइस यहाँ पे अब इस फोन के स्पेक्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी आपको स्पेक्स बहुत ही कम माल के देखने को मिलते हैं एंड ये जिस प्राइस में आता है तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सही एक्सपीरियंस आपका प्रोवाइड कर देगा। बाकी दोस्त यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है कर्व डिस्प्ले, तो ये काफ़ी मुझे पसंद आया, मतलब देखने में बहुत ही सही लगता है, बाकी ग्लास वगैरह मतलब ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती है। सो यहाँ पे मतलब 120 हर्ट्ज का नहीं बल्कि 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, NFC वगैरह का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इस यहाँ पे डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है एंड डुअल स्पीकर का एक्सपीरियंस इसमें मुझे बेटर लगा, इन्फिनिक्स जी डी 10 प्रो से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे मुझे इसमें बेटर लगा, सबसे बेस्ट मुझे पोको F5 का लगा था। ओके अब इस यहाँ पे बात करते हैं इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 68 वाट का फास्ट चार्जर भी दे दिया गया है, तो GT10 Pro से इसमें बेटर देखने को मिल जाता है। वैसे GT10 Pro भी आपको ऑलमोस्ट 20000 का प्रोक्स देखने को मिलता है, तो उससे अगर स्पेक्स वाइज भी कंपैरिजन किया जाए तो इसमें आपको बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्त यहाँ पे आपको डायमेंसिटी का 8020 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा लाइटर वर्जन बोल सकते हैं GT10 Pro के मुकाबले। उसमें आपको जो प्रोसेसर 8050 देखने को मिलता है वो गाइस VGA में 90 FPS तक सपोर्ट करता है, HDR एक्सट्रीम में भी प्ले कर सकते हैं उसमें, बट इसमें नहीं प्ले कर सकते, इसमें सिर्फ आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। ओके बाकी के दोस्त यहाँ पे
गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो गाइस यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, बहुत ही सही रहता है। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे पोको F5 में गेमिंग होता है वैसे ही कुछ इसमें भी गेमिंग हो जाता है। यहाँ पे भी इसका हमने फुल्ली बैटरी रन टेस्ट कर दिया है, वीडियो अभी अपलोड नहीं किया बट जल्दी भाई अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कर सकते हैं, वो डिटेल में आपको मालूम चल जाएगी। सो यहाँ पे गाइस आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट पोको F5 जैसा देखने को मिलता है, कोई भी जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे कितना भी देर आप प्ले करें FPS अच्छा प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सही देखने को मिल जाती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगी। बाकी दोस्त यहाँ पे गेम प्ले देखिए एंड फिर एंड में बताते हैं कि सबसे बेस्ट मुझे कौन लगा, एंड गाइस यहाँ पे बैटरी इसमें कितना ड्रेन होता है, बैटरी बैकअप इसका कैसा लग रहा है अभी के लिए। सो दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पे भी हमारा गेम प्ले हो चुका है कॉम्प्लीट, एंड गाइस यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, सॉफ्टवेयर पे काम करने की ज़रूरत है, मतलब स्लाइड करने पे उतना स्मूथ फील नहीं होता है। बाकी गाइस देख सकते हैं ये भी 13 मिनट में 5% डिक्रीज किया, तो GT10 Pro जैसा ही इसमें भी बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली बात करें तो बैटरी ड्रेन में सबसे बेस्ट पोको F5 है, एंड गाइस परफॉर्मेंस में भी पोको F5 है, स्पीकर वगैरह इसका बेस्ट है। सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा Infinix 030 जो कि काफ़ी अच्छा है भाई, ओवरऑल सभी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देता है, लाइक कैमरा भी इसका मस्त है, फास्ट चार्जिंग, डुअल स्पीकर, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी। और थर्ड पोजीशन पर जाएगा GT10 Pro, बिल्कुल ही भाई मत कीजिएगा, मेरे ओपिनियन में भाई गेमिंग फोन ये नहीं है, बस नाम के लिए है। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।